नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कंपनी से रिलेटेड बात करेंगे, चाहे कंट्री तो कोई भी हो, हालांकि अपन यूएस से रिलेटेड भी हम इस टॉपिक पे है हमारा टॉपिक। बाकी आप गल्फ कंट्रीज़ में दुबई, कतर, मस्कत, कुवैत, बहरीन कोई भी कंट्री में हो, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि कंपनी में आप गए जॉब करने के लिए, ठीक है, और कंपनी आपका मान लीजिए 24 महीने का अग्रीमेंट है, कंपनी आपको पहले ही बोल देती कि भाई हमारे पास काम नहीं है, आप काम नहीं करना चाहते, हम आपको सैलरी इतना नहीं देना चाहते, हमारे पास काम नहीं है, हमारी कंपनी बंद हो रही है, अदरवाइज़ कोई भी रीज़न लेके कोई भी बहाने से वो कंपनी आपको ये बोल देती है कि भाई आप अपनी कंट्री वापस जाओ, जी हाँ, और उस दौरान आपकी आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी होती है। आप एक तो आना नहीं चाहते, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं यहाँ काम करूँ, मैं घर नहीं जाना चाहता। दूसरी, आपने किसी बैंक से, क्रेडिट कार्ड से के माध्यम से कोई भी आपने इनडायरेक्ट डायरेक्ट आपने लोन वगैरह ले रखा होगा, ठीक है, आपका वहाँ पे लेनदारी बाकी होगी, पासपोर्ट आपका कंपनी के पास होगा, ऐसे बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं। उस दौरान कंपनी ये चाहती है कि आप घर जाओ और आप आना नहीं चाहते, तो आप क्या करते हैं, फिर कंपनी छोड़ देते हैं, ठीक है, या कंपनी छोड़ देते हैं या फिर कंपनी को ये बोलते हैं आप लिखित में मेल से, मेल का तो मैं हर बार बोलता हूँ भाई, मेल करोगे तो आपके फ़ायदे का सौदा रहेगा, आप कंपनी को ये बोलते हैं कि सर मुझे आप टाइम दीजिए 2-3 महीने का, ताकि मैं या तो मैं दूसरी कंपनी में सेट हो जाऊं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इंडिया नहीं जाना चाहता, तो मैं ये चाहता हूं कि मैं दूसरी कंपनी में जॉब लग जाऊं, कुछ मेरी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल है, या फिर क्रेडिट कार्ड बैंक से लोन ले रखा है वगैरह वगैरह, तो उसको मैं निपटा लूं। तो कंपनी मान लीजिए आपको 3 महीने का टाइम दे देती है मेल के माध्यम से, आपको एक मेल भेजती है कि ठीक है हम आपको 3 महीने का वक्त दे रहे हैं, 3 महीने में आप सेटल कर लीजिए, या तो आप दूसरी कंपनी में ज्वाइन हो जाओ, हम आपको हमारी तरफ से आप फ्री हो जाओगे, आपका जो भी फाइनेंशियल आपका क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह ले रखा है उसको आप कंप्लीट करोगे। तो 3 महीने पहले फिर क्या होता है, अचानक से कंपनी आपको भगोड़ा घोषित कर देती है। जी हाँ, भगोड़ा मतलब समझते हो कि कंपनी से भागा हुआ टाइम आपका, उन्होंने आपको मेल किया था कि 3 महीने का हम आपको समय दे रहे हैं, 3 महीने में आप सेटल हो जाओ कुछ भी करके, उसके बावजूद कंपनी 3 महीने पहले आपको भगोड़ा घोषित कर देती है कि ये बंदा हमारी कंपनी से भागा हुआ है, जी हाँ, और वो आपकी शिकायत कर देती है श्रम मंत्रालय में। उस दौरान आपके पास क्या हथियार हैं, क्या आपके पास लीगल एडवाइस, क्या आपके पास लीगल एक्शन है कि उससे आप बच सकते हैं, इससे रिलेटेड हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें, ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उस दौरान आप क्या करते हैं कि आप कंपनी से भाग गए, कंपनी से निकल गए, तो होता क्या है कि कंपनी आपको भगोड़ा घोषित कर दिया, तो आपको फिर मजबूरी हो जाती है, क्योंकि आप इंडिया नहीं आ सकते। वो इसलिए नहीं आ सकते कि आपने कहीं ना कहीं से लोन ले रखा है, और भाई आपको पता गल्फ कंट्रीज़ में आप लोन आप अगर लेते हो तो आजकल वो ट्रेवल रिस्ट्रिक्शन लग जाता है कि भाई जब तक आप लोन नहीं चुकाओगे आप वो कंट्री नहीं छोड़ सकते, तो आपकी प्रॉब्लम है कि आप अपने देश जा नहीं सकते। कंपनी बोलती है अपने देश जाओ, तो आपकी मजबूरी होगी कि आप वहाँ से इलीगल होना पड़ेगा, उस कंपनी से भागना पड़ेगा, आपको निकलना पड़ेगा। तो आप समझ रहे हो कि ट्रेवल बैन आपके लगा रखा है कि आप अपनी देश वापस नहीं आ सकते, जी हाँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन ये है कि दूसरी कोई कंपनी आपको जॉब देना चाह रही है कि भाई आप अगर लीगल एक्शन लीगल एडवाइस के थ्रू या दुबई लेबर लॉ के हिसाब से अगर दूसरी कंपनी में आप ज्वाइन हो जाते हो तो आपको दूसरी कंपनी वीज़ा देने के लिए तैयार है। आप ये चाहते हो कि आप वहाँ से इलीगल हो गए, कंपनी वीज़ा देना चाहती है, तो क्या आप वहीं के वहीं ये सेटल हो सकता है? आपको ये नहीं कि आउट इन आउट होना पड़ेगा, आउट और इन होना पड़ेगा, या वहीं का वहीं आप सेट हो जाओगे? देखिए, इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो कंपनी है, जो आपका मालिक है आपकी कंपनी, उनके उसने आपके खिलाफ शिकायत की है, आपको उसके खिलाफ शिकायत करनी पड़ेगी। शिकायत कौन सी करनी पड़ेगी, आपको ये साबित करना पड़ेगा, आपको कौन सी साबित करना पड़ेगा कि उन्होंने हमें 3 महीने का वक्त दिया था, उसके बावजूद उन्होंने मुझे भगोड़ा घोषित कर दिया अपनी कंपनी से, और मेरी उन्होंने सैलरी नहीं दी, मेरा जितना मैंने 2-3 साल यहाँ पे कंपनी में काम किया है वो मेरा जो अंतः सेवा बोनस, जो ग्रेजुटी बोनस जिसको बोलते हैं, वो भी कंपनी ने नहीं दिया, और वो बहाना बना के मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं झूठा कि मैं कंपनी से भाग गया, जबकि मैं कंपनी में भागा नहीं हूँ, मैं सब कुछ मैं लीगल हूँ, मेरी जगह पूरा प्रोसेस मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ। ये आपको लीगल एविडेंस के साथ आपको कंपनी के खिलाफ एप्लीकेशन देनी पड़ेगी श्रम मंत्रालय में। जी हाँ, आप श्रम मंत्रालय में कंपनी के खिलाफ जा रहे हो कि भाई मेरे को मेरा अंतः बोनस दिलवाया जाए, मेरा को लीगल किया, मैं लीगल होना चाहता हूँ, जो भी जुर्माना भरना चाहता हूँ, उसके बावजूद भी श्रम मंत्रालय अगर ध्यान नहीं देता है वहाँ पे आपका समाधान नहीं होता है। आपको श्रम मंत्रालय से एप्लीकेशन उठा के आपको, जी हाँ साथियों, लेबर कोर्ट में आपको एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, जहाँ आपको अपने वकील के माध्यम से आपको अपने एक ये साबित करना पड़ेगा कि भाई मैं भागा हुआ नहीं हूँ, मैं कंपनी
कंपनी में काम कर रहा था, कंपनी से मैंने मोहलत मांगी थी 3 महीने की, कंपनी ने मुझे मोहलत दी थी, कंपनी में मेरी सैलरी बकाया है, इतना दिन मैंने काम किया वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसेस है, जो भी आपके पास लीगल एविडेंस है, ये पूरे के पूरे आपको श्रम मंत्रालय लेबर कोर्ट में आपको शो करने पड़ेंगे सबूत के साथ में कि भाई कंपनी के मेरे खिलाफ जो षड्यंत्र यह दुर्भावनापूर्ण रचा जा रहा है कि भाई मुझे कंपनी को ग्रेजुएटी बोनस या उनकी सैलरी नहीं देना पड़े, इसलिए कंपनी चाहती है कि हम इनके खिलाफ मुकदमा करके इसको वापस अपनी कंट्री भिजवा दे। सरमन ये तय बात है, फिर आपका पूरे एविडेंस देखने के बाद कोर्ट की तरफ से फैसला आता है आपके पक्ष में, और वो फैसले की कॉपी आपको श्रम मंत्रालय में जमा करनी होगी, और श्रम मंत्रालय से फिर आपको कंपनी ने जो आपके ऊपर झूठे एलिगेशन लगा के आपके खिलाफ में दावा किया है वो फिर श्रम मंत्रालय अपने आप उसको रिजेक्ट कर देगा। जी हाँ, आपको जो आपने कंपनी की तरफ से फरार जिसको भगोड़ा घोषित किया है वो आपके ऊपर एलिगेशन है वो हट जाए। वही भी मैं बता दूं साथियों, अगर आप बाहर निकले बिना भी ये वीजा आपका फिर प्रोसेस में आ सकता है, दूसरी कंपनी में आप वीजा लगवा के अपना रूटीन से जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे मेरे पूरे प्रोसेस को मैंने आपको बताया। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखें भाई, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे।